मर्डर वाले दिन एसएसआर के घर मिस्ट्री गर्ल कहीं मिस लोखंडे ही तो नहीं थी सागर जी? देखो कह नहीं सकते, बट सुशांत की दोस्त थी, कौन थी नहीं कह सकते, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, बाकी मुझे नहीं लगता वो होगी मर्डर, मेरे को नहीं लगता मर्डर में हाथ होगा, ठीक है। ये अवसरवादी लोग कहे जा सकते हैं जिन्होंने अवसर तलाशना चाहा बॉलीवुड में, या स्ट्रगलिंग लोग हैं जिनका कैरियर नहीं है, इतनी मुश्किल से इनको बागी जैसी मूवी मिल गई, मुश्किल से दिखती है क्या? या अंकिता लोखंडे का कोई करियर है आपको दिखती है बॉलीवुड में? नहीं। तो इनको अवसर तलाशने के लिए इन्होंने सोचा रिपब्लिक पे जाके, सुशांत बहुत हसमुख था, नहीं नहीं है ना, ऐसे चेहरे पे स्माइल लाके इसने जो बोला था, देखना रिपब्लिक का इंटरव्यू, और वही झूठ बोल गई। तो भैया ये चीज तो हमें ही पता है, आपने सुशांत की तारीफें की है तो भारत जानता ही था, नहीं जानते थे आप? ये तो आप जानते थे, क्या नया सुना कि मैं दिशा को नहीं जानती? बट जानती थी तो वही तो बोलना था। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया बहुत इजी है आपके लिए बोलना, तो उसके लिए बोलना बहुत मुश्किल है, वो नहीं बोल सकती क्योंकि दो कदम दूरी, दो मकान दूरी शिवसेना के मंत्री का घर है और उसके बुजुर्ग पिताजी हैं, ठीक है, मैं इज्जत करता हूं कि डर हो सकता है, तो आपको यह चीज नहीं करनी चाहिए, आप शांत बैठ जाओ। अगर आपको डर है आप शांत बैठोगे, आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में जो रश्मि देसाई कर रही है संदीप सिंह को नहीं देता दिखाती फिरेगी, जब पता है सबको कि संदीप सिंह वो व्यक्ति है जिसके बारे में जनता पूछती फिर रही है कहां है कहां है कहां है, और आप दिखा रही हो यहां है यहां है यहां है, तो आप किसका मजाक उड़ा रहे हो? इस जनता का जो हर दिन परेशान हो रही थी, भाई संदीप सिंह का है, उसको कुछ खबर नहीं आ रही तो देख लो, है ना। तो ये समझने वाला विषय कि कौन अंत में इनके द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है।